D3E2 कौन सा? D3E2 बोलो D3E2। तो ये पैड आपस में मिला हुआ है और यहाँ पर रख लो ये NC है और इसके बाहर एक कैपेसिटर लगा हो जिसको कर दो ग्राउंड और यहाँ लिख लो कचरा और यहाँ लिख लो ये है आईसी हीटिंग के लिए स्कीमर। इससे आईसी बंद चालू नहीं होता है, सिर्फ हीटिंग। दिस इज ओनली फॉर आईसी हीटिंग, मतलब इन केस अगर आईसी हीट करे तो ये कैपेसिटर चेंज करना है। लगाओ सर ये स्विचिंग है, ये देखो
ये स्विचिंग है, ये बस चालू बंद चालू बंद चालू, ये आईसी, तो हम किसी भी आईसी की स्विचिंग आईसी लगी होना जरूरी है, क्योंकि आईसी जब तक स्विचिंग नहीं करेगी वो लिए तो भी नहीं बता पाएगा, निकाल कर नहीं चेक कर सकते, समझ आ रहा है मेरी बात? तो ये चीज किस चीज को पता है, बताओ, क्लियर हुई? यस सर। तो हम DSO दो जगह यूज कर सकते हैं ग्राफिक्स में, कितनी जगह? दो जगह, पहली स्विचिंग ग्राफिक्स की और दूसरी आपकी बिटी, कहां पर? कहां पर? सर आज कुछ छह घंटे की जी सर, सिलेबस जितना सिलेबस रहता उतने घंटे की क्लास होती जी सर। तो अभी जो अभी आज का टाइम का सेटिंग था कैसा लगा आपको? बढ़िया सर, बहुत अच्छा जी सर, क्लियर है? यस सर। तो हमारे समय में कमी हो रही क्या? नहीं सर, हमारा जो एवरेज जो हमारा टाइम है वो पूरा टाइम हो रहा है। यस सर। बात करूं प्रैक्टिकल का, प्रैक्टिकल का कंटेंट पूरा खत्म हो रहा है। यस सर। बात करूं मैं जो सर के साथ क्लास होती है थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल वहां भी होता है उसमें कंटेंट पूरा हो रहा है। यस सर। तो और अभी आप खाना भी खा चुके हैं? यस सर। पूरा फ्रेश? यस सर। तो एनर्जी है कि नहीं है? यस सर। है कि? यस सर। तो दिखाई देनी चाहिए। तो मेरे साथ पहले स्टूडेंट है जी, बताइए। जी सर, मोहम्मद सलीम फ्रॉम कश्मीर। अच्छा सलीम, बताइए आज क्लास था आपका देव सर के साथ ग्राफिक्स का? जी हाँ सर। क्या नजरिया तुम्हारा ग्राफिक्स को देखने का? सर बहुत बहुत माइंड ब्लोइंग सर। ग्राफिक्स हमने जो सोचा था ना कि किस लेवल से पढ़ेंगे उससे भी बहुत बढ़िया लेवल से पढ़ा सर। मतलब कि अगर सर प्रैक्टिकल करते भी नहीं ना तब भी ऐसा ऐसी क्लास थी कि एक बार में ही फील हो गई माइंड जी सर। ऊपर से सर आज जो प्रैक्टिकल यहाँ पे हुआ उससे तो जैसे दूध से पानी निकालते हैं ना वैसा क्लियर हो गया सर। क्रिस्टल क्लियर जी सर। अभी किसी का भी सेट ऑफिस जाएगा क्या? नहीं सर। ग्राफिक्स से रिलेटेड? जी नहीं सर। वो PMI हो, वो फीमेल हो, या फिर आपका 63 पी लगा हो जी सर, या यूनिवर्सल 15 वोल्ट का लगा हो जी सर, बना सकते हो ना? बना जी सर, बना सकते हैं। किसी ने पेट लाइट बोरी निकाल दी तो भी बना सकते हो जी सर। तो CPU तक जाके किसने किसने टेस्ट करा? सर सबने किया। सबने किया जी सर। CPU के अंदर जाके? यस सर। एंडलेस सॉल्यूशन? यस सर। अब इसके ऊपर कुछ है क्या? नहीं सर, कुछ भी नहीं है। नहीं सर, इससे ऊपर कुछ नहीं सर, कुछ भी नहीं है, वही तो खत्म हो गया सर। ग्राफिक्स का जहाँ से भी जो भी सप्लाई आती है, जो कुछ भी आता है, सब हमने आज मदरबोर्ड खोल के CPU उठा के पावर उठा के ग्राफिक्स उठा के सब लाइनें चेक की, सारा वोल्टेज GR कहाँ से क्या जाता है सब क्लियर किया सर। अभी प्रैक्टिकल में ग्राफिक्स का जहाँ जन्म होता है और जहाँ खत्म होता है वो पूरा मालूम पड़ गया। पूरा पूरा डेटा बर्थ भी और डेटा डेथ भी जी सर, जीवन से लेकर मरण जी सर। और सर आज प्रैक्टिकल में हमें सर यहाँ डेली गिफ्ट मिलता ही रहता है बराबर। सर आज भी एक बहुत बहुत ज़बरदस्त गिफ्ट मिला, हमारे MD सर ने हमें दिया जी। और वो बहुत काम आने वाला है सर। चलिए जी सर, है ना, अपनी चीज़ें अपने तक रखिए जी सर। सर मेरा नाम दीपक है, मैं डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर UP वेस्ट से हूँ जी। आज हमारी सर ग्राफिक की क्लास थी और हमें सर ने वन बाय वन जितने भी मतलब डिस्प्ले कनेक्टर के जितने पॉइंट होते हैं एक एक पॉइंट मतलब पॉइंट के बारे में पूरी डिटेल से हमें बताया। उसके बाद हमने प्रैक्टिकल किया, CPU पावर IC जहाँ जहाँ सप्लाई जाती है ग्राफिक IC हमने निकाल के उसको ट्रेस किया और उसका डायग्राम खुद से बनाया। क्या लेवल है पढ़ाई का? सर पढ़ाई का बहुत मतलब ऐसा लेवल है कि शायद ही नहीं कोई पढ़ा सकता। मतलब ये है कि नॉर्मल भी बिल्कुल एक फ्रेशर भी उसके भी माइंड। तुम्हारी दुकान से कोई हैंडसेट ग्राफिक्स का जाने वाला है? नहीं सर, नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं जाएगा सर, बिल्कुल नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, चाहे किसी भी मॉडल का कोई भी फोन हो सर। नेक्स्ट वन सर, मैं स्टूडेंट
सर मेरा नाम है प्रकाश नेपाल से। कहाँ से हो? नेपाल से। नेपाल से हो प्रकाश? जी सर। नेपाल प्रकाश मतलब नेपाल से हो प्रकाश। अब ये बताइए मुझे कि आपके पास कोई भी ग्राफिक्स का सेट खाली जाएगा? नहीं जाएगा सर। क्यों नहीं जाएगा? मालूम है सर, एकदम मिला। अगर सीपीयू तक दिक्कत हुई तो बना सकते हो? कुछ कहीं भी दिक्कत हुई तो कहीं भी दिक्कत है सर, बनेगा सर एकदम। चलिए मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। सर नमस्ते। नमस्ते सर, मेरा नाम अंगूर सिंह, मैं यूपी गाजियाबाद से हूँ। जी सर जी, आज ग्राफिक्स से क्लास देव सर के साथ कैसे रही क्लास? जी सर, सर बहुत अच्छी रही, ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब अंदर से बहुत खुशी हो रही है, अच्छा फील हो रहा है कि हम फोन रिपेयरिंग कर सकते हैं और करेंगे भी सर 100%। अच्छा, अभी अभी ग्राफिक्स का पूरी सभी मोबाइल आ जाए आपके पास? जी सर, कोई नहीं सर। बताइए सर। नहीं बिल्कुल भी नहीं। बताइए खाली जाएगा? नो सर। हम चाहते हैं तो एमओएलईडी, एमओएलईडी लाइट, ग्राफिक्स और टच हम एक साथ दे सकते थे, दे सकते थे, है ना? नहीं सर। कर सकते थे एक साथ, एक साथ दे सकते थे, पर हमने चारों को अलग अलग भागों में तोड़ दिया। टच को भी तोड़ दिया जी सर, एमओएलईडी को भी तोड़ दिया, और किसको तोड़ दिया? लाइट को भी तोड़ दिया। आज हमने केवल आपको क्या दिया है? आई ग्राफिक्स सेक्शन जी सर। तो ये यूनिवर्सल मेथड जो आपके सभी सेटों पे काम करेगी विदाउट डायग्राम? सर यस, विदाउट डायग्राम जी सर। तो कैसा लगा नॉलेज आपको? जबरदस्त सर। तक आपने ट्रेसिंग करी है? यस सर, एंडलेस सर, बिल्कुल। मोहम्मद फरमान सर, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से। हाँ जी जी सर, आज हमारी जो है ग्राफिक की क्लास थी, और पहले सर ग्राफिक्स का कोई भी फॉल्ट आए हम बना नहीं पाते थे, लेकिन अब जो है इस डिस्प्ले कनेक्टर से लेकर ग्राफिक्स तक का, ग्राफिक्स आईसी तक का कोई फॉल्ट हो या फिर पावर आईसी तक का, सीपीयू तक का, कहीं तक भी कोई फॉल्ट हो सब ट्रेस कर लेते हैं और सब कर भी देंगे सर। ओके। अच्छा मैं बोलूं कि आपका ग्राफिक्स में जो प्रॉब्लम आएगी अगर सीपीयू के लेवल से आती है सर, तो बना सकते हो? जी सर बिल्कुल बना देंगे, बिल्कुल बना देंगे, बिल्कुल बना देंगे। मिला है आपको? जी पूरा नॉलेज। लाइव बोर्ड पे आपने ट्रेसिंग करी है? जी लाइव करी है, ट्रेसिंग भी की है सर, डाटा शीट भी खुद से बनाई है, आईसी की डाटा शीट जो है ना वो भी खुद से बनाई है। अभी बताओ कोई ऐसा मोबाइल है ग्राफिक्स का आपके जो आपके बैग में रखा हो और आप बना नहीं सकते? नहीं सर ऐसा कोई नहीं, बना नहीं है, बिना बने जा रहा है आपके पास? नहीं सर। बताइए मेरे को, नहीं सर ऐसा कोई मोबाइल है? नहीं सर। अभी ग्राफिक्स का दो प्रैक्टिकल भी किए हमने, कितनी देर लगी हमको बनाने में? आपसे पूछ के किए ना? जी सर आपसे पूछ के किए। तो जो काम यहाँ पर हुआ तो वो आप कर सकते कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं सर। हो सकता है ना? जी सर बिल्कुल। भारी काम था क्या? नहीं सर कोई भारी काम। आपने ट्रेसिंग भी करी? जी ट्रेसिंग भी की है, जी आर निकाल के खुद से डाटा शीट अपनी तैयार की है, आईसी की पैड्स जो होती है आईसी के नीचे की, वो सब डाटा शीट खुद बनाई है सर, खुद बना लेंगे सर ग्राफिक आइस। अभी कोई मोबाइल वापस भ्रमण जाए? नहीं सर अब कोई नहीं जाएगा, ग्राफिक से रिलेटेड अब कोई वापस नहीं जाएगा। नेक्स्ट आइए गौरव, राजस्थान से। जी गौरव बताइए, राजस्थान से। तो गौरव क्या नॉलेज मिला आपको आज सर? एंडलेस नॉलेज मिला है। गौरव सर के साथ क्लास थी आपकी, जो सर ने कैसा पढ़ाया आपको, कैसा समझाया और कैसा प्रैक्टिकल कराया, आप अपनी जुबानी बताइए। यस सर, बहुत बढ़िया पढ़ाया आज और बहुत बढ़िया प्रैक्टिकल भी हुआ हमारा, हमने एक एक लाइन तक चेक किए, पेड से लेकर सीपीयू तक, ग्राफिक आईसी से लेकर सीपीयू तक सारी लाइनें चेक की आज, और पहले नहीं बन पाता था, अब ज़रूर बनाएंगे सर, खाली नहीं जाएगा। अगर डीएसओ का जो इस्तेमाल करना है वो भी चेक करना है? यस सर, यस सर। कहाँ मल्टीमीटर का इस्तेमाल करना है, कब सीपीयू पर काम करना है, कब पावर पर काम करना है, कब आपको ग्राफिक्स आईसी पर काम करना है, ये नॉलेज हुआ आपको? यस सर बिल्कुल हुआ। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आइए। बिना बोले सब बीच में सुशांत ओडिशा। हाँ जी सुशांत सर, तो बताइए सुशांत, आज का क्लास था आपका ग्राफिक्स का? ग्राफिक्स का था। क्या नजरिया ग्राफिक्स को देखने का? पूरा चेंज हो गया सर, पूरा चेंज हो गया। पहले तो 5% था, पर अभी 99% हो गया। 99%? हाँ सर। तो डील करने का तरीका कैसा है, टेलीकॉम का समझाने का तरीका कैसा है, पढ़ाने का तरीका कैसा है? एक्चुअली ग्राफ क्या खाली एक कोई पर्टिकुलर मॉडल पे पढ़ाते हैं? नहीं नहीं, हमें तो देव सर जो भी पढ़ाते हैं आईसी वाइज पढ़ा देते हैं। आईसी वाइज? हाँ सर, सीपीयू का जो मॉडल, जो नंबर का आईसी होता है उसी हिसाब से वो सारे डायग्राम दे देते हैं, सारे टेबल दे देते हैं, इसीलिए हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती ढूंढने में। और आज डिस्प्ले का जो भी प्रॉब्लम है वो सर ने बहुत अच्छी तरह से, एक्चुअली ग्राफिक का क्लास बहुत छोटी सी पीरियड है, फिर भी सर ने हमें टाइम देके 5.5-6 घंटे से वो जो समझा है बहुत मतलब क्लियरली समझा दिया सर। क्लियरली सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। अच्छा, जीआर का कौन कौन जीआर उठा सकता है इसमें से? सब उठा लेगा सर, सब उठा लेंगे। हाँ सर,
तरीका है ना। हाँ सर, गियर हो या वोल्टेज हो या दोनों तरीके, डीएसओ हो, डीएसओ मशीन से हो या जीआर हो या वोल्टेज हो, सब अच्छी तरीके से सिखा दे। आप सर सीक्यू तक जा रहे हो? हाँ सर। डीएसओ तक जा रहे हो? हाँ सर। डीएसओ को डीएसओ से भी आप काम कर रहे हो? हाँ सर। से भी काम कर रहे? हाँ सर। आप असेंबली से भी काम कर रहे? हाँ। आप लाइनों को भी समझ रहे हो? आप डायग्राम भी बना रहे हो? हाँ सर। कुछ रहता है? नहीं सर। बताइए। नहीं सर, इसके ऊपर और क्या होगा? नहीं सर। थैंक यू। मेरा नाम अनुज कुमार, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। आज देव सर का क्लास था तो आज ग्राफिक सेक्शन का क्लास था हमारा, तो जीरो देव सर ने मुझे ग्राउंड से लेके एंडलेस तक एडवांस लेवल तक पूरा बताया है, इससे मेरे सारे डाउट क्लियर हो गए हैं और मेरे शॉप से कोई भी मोबाइल रिटर्न नहीं जाएगा, क्योंकि वो ग्राफिक्स आईसी से लेके पावर आईसी तक, सीपीयू तक, पैड लाइन चेक करना, कैसे उसकी शॉर्टिंग निकालना या कोई पैड निकल जाए तो उसको रिपेयर करना, सारे फॉल्ट मेरे क्लियर हो गए। तो एशिया टेलीकॉम और एशिया टेलीकॉम की टीम धन्यवाद का पात्र है कि? बिल्कुल सर। ये धन्यवाद का? बिल्कुल सर, बिल्कुल। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। क्लासेस में आप कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। इसके पहले शूट में जाना होता है तो हमको कुछ समय देना होता है, बहुत बड़ा सेक्शन लगता था, समय देना होता है। जब चीजें समझ में आती है ना, यस सर, तो फिर वो फिर समझ में ही आती है। बिल्कुल बिल्कुल, जरा सा इशारा कोई करता तो हमको समझ में आ जाता। उसके पहले बहुत टफ था, मगर अब इतना इजी हो गया है कि वो बहुत आसानी से, वो बहुत फास्ट बन जाएगा, उसमें ज़्यादा टाइम भी बर्बाद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर मेरा नाम मोहम्मद नौशाद है, मैं यूपी मुजफ्फरनगर से हूँ। नौशाद, आज का सेक्शन के बारे में बताइए। आज हमारा सर ग्राफिक सेक्शन था देव सर के साथ, 11 बजे हमारी क्लास शुरू हो गई थी और अब तकरीबन 6 बजे तक चली है, 5-6 घंटे तक हमारी क्लास रही और उसमें जो हमारा डाउट था वो सब क्लियर हो गया। पहले सिर्फ ये मालूम था कि कहाँ बूस्ट कोयल लगी रहती है, कहाँ बक कोयल, बस वे चेंज करी, उसके बाद नहीं बना तो दूसरों को दे देते थे, पर आज सारे डाउट क्लियर हो गए कि कहाँ से कौन सी पैड वाइन चेक करनी है, उसके बाद अब कोई भी सेट वापस नहीं जाएगा। मैं राजकुमार, उत्तर प्रदेश से। राजकुमार, तो क्या मिला राजकुमार आज? हमारा सेक्शन था ग्राफिक्स आईसी का, हम लोग सभी ने चेक किया है उसको, पैड भी डिटेल से हम लोग को नॉलेज मिले उसका। अभी कोई ग्राफिक्स का सेट वापस जाएगा? नहीं जाएगा सर। 15 वाल की आईसी हो, पीएमआई हो, 63P हो या पीएमएल हो या यूनिवर्सल आईसी हो आपके पास? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, जाएगा कभी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, पक्का पक्का नहीं जाएगा। सर मेरा नाम वसीम है और मैं तेलंगाना से हूँ। सर आज देव सर के साथ हमारा ग्राफिक सेक्शन का टॉपिक था जो कि बहुत सर ने डीपली समझाया हम लोग, और ये भी बताया कि किस ग्राफिक आईसी को किस कहाँ से अपन ले सकते हैं, अगर नहीं मिल रही है तो वो सेम मॉडल की यूनिवर्सल काफ़ी सारी आती है तो अपन उसको यहाँ पे कर सकते हैं। डाटा शीट बताया? हाँ, डाटा शीट के थ्रू उसका। हाँ सर, तो बताइए क्या क्या नॉलेज है डिलीवर करने का एशिया टेलीकॉम का, और ये खाली आप आपकी बात बोल रहे हो कि पूरे एशिया टेलीकॉम में जितने भी बच्चे बैठे हैं सबकी बात कर रहे हैं? सभी सबकी बात है सर, ये सबकी बात, सबकी बात है, सबने प्रैक्टिकल किया सर, सबने प्रैक्टिकल किया। हाँ, सबकी बात कर रहे हैं, सबकी बात कर रहे हैं सर। एशिया टेलीकॉम का लेवल ही ऐसा है कि ये छोटे छोटे सेक्शन इतने बड़े लेवल से समझाए पढ़ाए। तो सर मैं बीच में सोचता हूँ कि जब हमारा ब्लैक पेस्ट वाला आएगा, डबल डेक वाला आएगा, तो उसका लेवल कितना होगा? बराबर, सबका लेवल होगा और सबका पास एक सही मेथड होगी, सही काम करने का तरीका होगा। चलो नेक्स्ट। तो हमारे साथ एक और स्टूडेंट है। नमस्ते सर, मैं बिल्कुल प्रसाद आसाम से। जी सर, आज हमारा ग्राफिक सेक्शन का क्लास था जो कि सुबह से ही बहुत आनंद फील हो रहा है मेरे को और बहुत मज़ा आया। बहुत इजी तरीक़ा से हम लोग को समझाया गया कैसे आपका डायग्राम में देख के हम लोग पैडलाइन चेक करना है और हम लोग खुद पैडलाइन बनाए भी और आपका डिस्प्ले कनेक्टर से हम लोग जीआर वगैरह सब कुछ अपना कॉपी पे ड्रॉ भी किए और वैल्यू निकाल के उसको चेक किए सर। जी सर, सीपू तक गए थे? जी सर, जी सर गए थे सर। तो कैसा लग रहा? बहुत अच्छा लग रहा सर। अच्छा, ये नॉलेज वहाँ से मिला आपको कि एक मोबाइल आपके पास ग्राफिक्स का आया, आपने पीसीबी को निकाला, कहाँ से शुरुआत करना और कहाँ पे खत्म करना, कहाँ से शुरू करना और कहाँ पे खत्म करना, ये नॉलेज आया थी? ये सर, और शुरुआत कहाँ से करना है, खत्म कहाँ पे करना? जी सर, ये नॉलेज मिला हम लोग को और पहले ग्राफिक्स सेक्शन में छूता भी नहीं था
और अब लेकिन छोड़ने वाला कोई नहीं है सर, उसको छोड़ने वाला नहीं, नहीं सर, किसी भी फॉर्मेट में, किसी भी फॉर्मेट में हो। जी सर, थैंक यू। मेरा नाम सोनल, मैं महाराष्ट्र से हूँ। ग्राफिक्स का क्लास आज 4 to 4 लाइन चेक किया हमने जी। और जब से हम देव सर के साथ क्लास कर रहे हैं तब से हमको ऐसा लग रहा है कि यूट्यूब का नॉलेज आंधा होता है। जितना भी मोबाइल का फॉल्ट आ रहा है कस्टमर से ज़्यादा यूट्यूब वाले ही ला रहे हैं। जो मोबाइल ख़राब हो रहे हैं यूट्यूब की वजह से ही ज़्यादा मोबाइल ख़राब हो रहे हैं आज मार्केट में। और दूसरी बात जो ऑनलाइन शॉर्टकट में जो ऑनलाइन लोग पढ़ा रहे हैं ना, उसके उसकी वजह से भी ज़्यादा मोबाइल ख़राब हो रहे हैं मार्केट में। इसमें देश का पैसा बहुत बर्बाद हो रहा है। ऑनलाइन क्लास में पता है क्या होता है सर, पहले वो बोलते हैं कि 5-6 हज़ार में आपका कोर्स है, 5-6 हज़ार में आपका कोर्स है, तो हम पैसे दे देते हैं। तो जब वो कंपोनेंट पढ़ाना खत्म करते हैं उसके बाद क्या बोलते हैं, भाई अब आपको आना है सेक्शन वाइज, तो सेक्शन वाइज आपका अलग पेमेंट है, आपको 15,000 देना है। सेक्शन वाइज पूरा हो गया उसके बाद बोलते हैं भाई आपको 35,000 देने हैं, आपको सीपीयू सीखना है, एमएमसी सीखना है, प्रोग्राम सीखना है, उसका अलग पेमेंट है, बोले वाला अलग। मतलब कहानी वही है। और जो ऑनलाइन नॉलेज मिलता है एकदम शॉर्टकट में मिलता है वो सर, इसकी वजह से हर टेक्निकल से हाथ से सब मोबाइल ख़राब हो जाते हैं। उसको अच्छा सीखना है तो एक इंस्टीट्यूट और एक बेस्ट टीचर का ही सहारा चाहिए, तभी वो अच्छा काम कर सकता है, उसके अलावा कुछ पॉसिबल नहीं है। जब इधर आदमी आता है तभी पता चलता है कि ये पॉसिबल है, नहीं तो हमको ऐसा लगता है कि जो 10 साल से काम कर रही है और जब फ्रेशर है वो दोनों बराबर ही है, इधर आके कोई आगे पीछे कोई नहीं है, एक ही साथ है। थैंक यू। बताइए। यूपी सिद्धार्थ नगर से सर, सुभाष। अभी जो सुभाष आपके पास अगर कोई ग्राफिक्स का मोबाइल आता है तो क्या ऑफिस जाएगा? नहीं जाएगा सर। आपको शुरू का करना है, खत्म करना है, आपको पूरा आइडिया? हाँ जी सर, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा सर। नेक्स्ट प्लीज। मेरा नाम अयन, मैं वेस्ट बंगाल से आया हूँ। आज का जो सर ग्राफिक्स का सेक्शन था बहुत ही अच्छा रहा। पहले तो हम ग्राफिक्स में काम ही नहीं करते थे, लाइट का अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो बस कॉइल चेंज करते थे, तो होता तो अच्छा है तो नहीं रिटर्न कर देते थे, ग्राफिक्स में हम काम ही नहीं करते थे। पर आज का जो नॉलेज मिला, जो वोल्टेज वगैरह कहाँ से चेक करना है, पावर आईसी या सीपीयू से है, तो सब ट्रैक को जाने और प्रैक्टिकल भी हम थियोरी में किए, तो इसके बाद हमको लगता है कि कोई सेट हमसे रिटर्न नहीं जाएगा, सब रेडी हो जाएगा। सबसे पहले आपको कहाँ पे बनाना है, डिस्प्ले लाइट बनाना है, ये आइडिया था, ये आइडिया भी नहीं था ना? नहीं नहीं था ना, कि पहले हमको लाइट में काम करना है कि ग्राफिक्स से काम करना है, ऐसे ही तो हम सेट को बर्बाद कर देते थे। अभी कोई दिक्कत होने वाली नहीं सर? अभी कोई दिक्कत नहीं होगी। कमल सिंह सर, मथुरा से। कमल मथुरा सर जी, बताइए सर। ग्राफिक्स का काम था, काम वो किया था सर, ग्राफिक्स का। हाँ, डिस्प्ले कनेक्टर से लेके सीपीयू तक काम। सीपीयू तक? हाँ सर। ऑल डन? हाँ सर ऑल डन। अब इसके ऊपर कुछ है क्या? नहीं सर, इसके ऊपर कुछ नहीं है। नहीं सर। तो अभी अगर सीपीयू प्रॉब्लम ग्राफिक्स में और दिक्कत सीपीयू में आती तो बना सकते हो? यस सर। आपको मालूम है कैसे कहाँ जाना है? हाँ सर। अगर डायग्राम हो या बिना डायग्राम के हो तो बना सकते हो? यस सर। चलिए ठीक। मुकेश कुमार, कोलकाता। हाँ जी मुकेश। आज ग्राफिक का क्लास था जी। और आज हमने ट्रेस किया सीपीयू से लेकर ग्राफिक आईसी तक, सभी का डाटा सीट हमने तैयार किया जी। तो क्या सर के साथ, देव सर के साथ क्लास थी, क्या लेवल की क्लास थी? बहुत ही हाई लेवल की क्लास थी सर। अच्छा, तो कोई एक पर्टिकुलर आईसी पे या मॉडल पे बताया हो आपको? नहीं नहीं, वो तो मल्टी आईसी था, सभी के कौन सा आईसी किस में लगेगा उसके लिए सभी के डाटा सीट बनाया। सभी की डाटा सीट बनी, सभी का नाम मिला, सभी के मिला। और एक तो आईसी बहुत सब फोन में लगता है ना। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि इसमें लगेगा, उसमें सभी के लिए बनाया। अच्छा, तो आपकी जो यूनिवर्सल आईसी है पूरा रहती है? हाँ सर। जिस पर इतना वोल्टेज आता है सभी में, कितने वोल्ट आते हैं, हमें तो मालूम ही नहीं कि कचरा भी पीन होता है। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं अर्जुन हूँ गुजरात से सर। सर आज सुबह 11 बजे सर हम लोग आए थे और सुबह 11 बजे से देव सर की क्लास चालू थी जो 6 घंटे तक चली सर। और सुबह सब मैं 11 बजे आया, उससे पहले मुझे पता ही नहीं था कि ग्राफिक सेक्शन क्या है, जो भी कुछ है मतलब लाइट आईसी और उसके अंदर ही हम लोग ढूंढ रहे थे। और बहुत सारे कस्टमर की प्रॉब्लम आती थी कि ग्राफिक्स नहीं आ रहा है, तो वो प्रॉब्लम हम लोग सॉर्ट आउट ही नहीं कर पा रहे थे सर। ठीक है, फिर जब 11 बजे हम लोग आए, देव सर की क्लास चालू हुई और जैसे जैसे उन्होंने बताया हम लोगों को,
और समझ में आया तब पता चला कि ये चीज़ तो पूरा कॉन्सेप्ट ही अलग है ग्राफिक्स का, ठीक है। और देव सर ने जो ग्राफिक्स के बारे में बताया वो आज तक मैंने कभी देखा नहीं है, मतलब ठीक है सर। और बहुत मज़ा आया उनके साथ सर ये क्लास करके। अच्छा, हाँ सर, डिस्प्ले कनेक्टर से लेके सर पावर आईसी तक कौन सा वोल्टेज जाता है और डायरेक्ट सीपीयू तक कौन सा वोल्टेज जाता है, वो सारा सर सर ने समझाया। और हम लोगों ने यहाँ पर मतलब प्रैक्टिस भी बहुत किया है उसके ऊपर। जी सर, हाँ सर, बना लिया है सर। कैसा लग रहा है भाई मेरे को? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर, इतना मज़ा आ रहा है सर सीखने के अंदर, ये मतलब बहुत मज़ा आ रहा है सर। चलिए ठीक है, अभी और लास्ट में कौन कौन बच्चे भाई आ जाओ जरा कुर्ती से, एक दो तीन चार उधर से आ जाओ, आते जाओ आते जाओ आते जाओ फटाफट आ जाओ आते जाओ आते जाओ जल्दी आते आते जाओ। प्रेमगान जल्दी आओ इधर सामने। जी सर, मेरा नाम राहुल देवा, मैं फरीदाबाद का रहने वाला हूँ। हाँ जी, तो आज की आज क्लास थी ग्राफिक्स के ऊपर। अंदर आ जाओ सब लोग। गजानन, ग्राफिक्स की क्लास थी आज, तो बहुत मज़ा आया था करने में। अब पहले ऐसा होता था कि हम करते थे तो सोचते थे कि लाइट सेक्शन में ही होता है सारा फॉल्ट, तो हम यूट्यूब पे देख के लाइट आईसी को खोल के देखते थे कि भैया होएगा नहीं होगा, और कई बार उसे डेड करते थे। अच्छा, रियल पोजीशन बताओ, ये बात क्यों कर रहे हो आप, रियल पोजीशन बताओ। क्योंकि मेरा एक सर आईसी की हमें नॉलेज नहीं थी कि कौन सा फॉल्ट कहाँ पे होता। एक नोकिया का फोन था मेरा, नोकिया 2, तो वो मैंने लाइट आईसी पे काम था मेरा, तो ग्राफिक नहीं आ रहे थे उसके। तो यूट्यूब पे मैंने देखा कि कई बार जो बड़े बड़े यूट्यूबर थे तो वो बता रहे थे कि वो लाइट आईसी का सेक्शन ये वाई ये है, तो मैं ग्राफिक आईसी को ना करके एक लाइट आईसी को कर रहा था मैं। अब बताइए, तो यूट्यूब पे वो नॉलेज मिल रहा है सर जो सेक्शन है ही नहीं, वो दूसरे सेक्शन बता रहे हैं। बताइए मेरे को, और उसके चक्कर में फोन चालू होगा नहीं सर, वो पूरा डेड हो जा रहा है फोन। तो ये होती है YouTube की जानकारी, अगर प्रॉपर ही आप काम करोगे तो सब कुछ होता है, सब कुछ लाइन सारी क्लियर होती है, कितनी GR कहाँ पे आ रही है, कितने वोल्टेज आ रहा है, इनपुट कितनी है, आउटपुट कितनी है। कितनी देर में बना लिया सेट वाला? सर मुश्किल से आधे एक घंटा लगा मुझे, और प्रॉपर ही करके डायग्नोस करना पड़ता है, डायग्नोस करके मैंने पूरा बढ़िया करा। नहीं वो सेट जो आपको नोकिया का सेट था जो आप बोल रहे थे, कितनी देर लगी थी उसको? मुश्किल से आधे घंटा। आधे घंटा बढ़िया था सर आज एकदम, मतलब ना छोटे से छोटे जहाँ से लाइनें आती हैं वो सबको बताया देव सर ने आज, ग्राफिक वाली जहाँ जहाँ से सीपीयू से आती है, कौन सी पावर से आती है, कहाँ को जाती है, कहाँ आउटलेट मतलब आउटसाइड होता है, सब बताया। और आपने जो प्रैक्टिकल क्लास थी, आपने प्रैक्टिकल क्लास में पूरा प्रैक्टिकल था? हाँ, पूरा प्रैक्टिकल किया सर। तो जो देव सर ने प्रैक्टिकल क्लास रखी है वो सही रखी है कि ऐसे ही नहीं रखना चाहिए? रखना चाहिए सर, थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल ही जरूरी है। जरूरी है, एक एक चीज क्लियर होती है। जी सर, तो देव सर ने गलती तो नहीं की? कोई गलती नहीं। जितने घंटे की आपका जो थ्योरी और प्लस प्रैक्टिकल दोनों होता है देव सर के पास? जी सर। जितने घंटे आपकी वाली क्लास होती है उतने घंटे की अगली क्लास होती है? जी सर। तो अभी आपने सीपीयू के पेड लाइन तक गए आप? जी सर, चेक करा? हाँ हाँ। DSO का इस्तेमाल? हाँ, DSO का किया ना सर। जी सर। जी बताइए। मैं रमेश उत्तर प्रदेश सर। हाँ भाई, जी सर, मैं रमेश उत्तर प्रदेश सर। रमेश बताइए मेरे को कि अभी ग्राफिक्स का कोई सर नौकरी खाली आएगा आपको? नहीं सर, नो सर। कारण क्यों नहीं खाली आएगा? सारी जानकारी मिली सर। सारी जानकारी? जी सर। प्रैक्टिकल करके देखा आपने? जी सर। चलिए, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।